हेलो स्टूडेंट्स, बीएससी फर्स्ट ईयर के इनडिटर्मिनेट फॉर्म, इंटीग्रल कैलकुलस का इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स, ये चैप्टर काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स क्या होती है? ये सेवन फॉर्म्स, जीरो अपॉन जीरो, इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, जीरो इंटू इन्फिनिटी, वन की पावर इन्फिनिटी, जीरो की पावर जीरो एंड इन्फिनिटी की पावर जीरो। तो इन फॉर्म्स में अगर आपको किसी फंक्शन की लिमिट निकालनी है तो लिमिट एल हॉस्पिटल रूल से निकाली जाती है। एल हॉस्पिटल रूल क्या होता है कि अगर आपके पास फाई एक्स और साई एक्स दो फंक्शन का फ्रैक्शन है और इस फ्रैक्शन की x टेंड्स टू a पे लिमिट निकालनी है और लिमिट लगाने के बाद ये इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी का आ रहा है, तो इन्फिनिटी अगर इन्फिनिटी की फॉर्म का अगर आ रहा है तो इसका मतलब कौन सी फॉर्म हो गई? इनडिटर्मिनेट फॉर्म। तो एल हॉस्पिटल रूल के अकॉर्डिंग इस फाइव एक्स को आप डिफ्रेंशिएट करो, साई एक्स को डिफ्रेंशिएट करो, तो डिफ्रेंशिएट करने के बाद फिर लिमिट अप्लाई करो, लिमिट अप्लाई करने के बाद आपको इसका आंसर मिल जाएगा। अगर सपोज फिर से इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी की फॉर्म में आ जाए तो फिर से आप इसको डिफ्रेंशिएट करो और ये प्रोसेस तब तक करते रहो जब तक आपको आंसर ना मिले। यही सेम प्रोसेस जीरो अपॉन जीरो की फॉर्म में भी होती है। तो कैसे इस फॉर्म को हमको अप्लाई करना है देखते हैं। पहला न्यूमेरिकल, लिमिट एक्स टेंड्स टू इंफिनिटी लॉग एक्स अपॉन ए टू द पावर एक्स, लिमिट लॉग एक्स अपॉन ए टू द पावर एक्स। अगर आप इसमें लिमिट अप्लाई करोगे तो ये कौन से फॉर्म आ रही है? इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी की फॉर्म। एल हॉस्पिटल रूल लगाएंगे तो लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन वन अपॉन एक्स, ए टू द पावर एक्स का ए टू द पावर एक्स लॉग ए, ये कौन सा फॉर्मूला लगाया हमने? एल हॉस्पिटल रूल, ये एल हॉस्पिटल रूल। लिमिट एक्स टेंड्स टू इंफिनिटी, अब देखते हैं इसमें इसको अगर हम फिर से लिमिट अप्लाई करते हैं तो ये कौन सी फॉर्म आ रही है? देखिए अब वन अपॉन एक्स, वन अपॉन इन्फिनिटी जीरो, और अभी हमको कोई स्पेसिफिक फॉर्म नहीं मिल रही है तो हम इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर देते हैं। ए टू दी पावर एक्स ऊपर, सॉरी वन अपॉन एक्स इंटू ए टू दी पावर एक्स लॉग ए, लिमिट एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी। अब आप लिमिट अप्लाई करिए इसमें एक्स की वैल्यू इन्फिनिटी, ए की पावर इन्फिनिटी इन्फिनिटी, क्योंकि ए वन से बड़ा है तो ये वन अपॉन इन्फिनिटी आ रहा है। वन अपॉन इन्फिनिटी क्या होता है? जीरो। तो आपको एल हॉस्पिटल रूल तब अप्लाई करना है जब ये इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी की फॉर्म आएगी या फिर जीरो अपॉन जीरो की फॉर्म आएगी, तो ये आपका इस फंक्शन की लिमिट हो जाएगी इन्फिनिटी पे। नेक्स्ट न्यूमेरिकल हमारे पास, नेक्स्ट न्यूमेरिकल क्या है? इसमें अगर आप डायरेक्टली इन्फिनिटी लिमिट अप्लाई करोगे तो ऊपर इन्फिनिटी आ जाएगा, नीचे भी इन्फिनिटी, तो कौन सी फॉर्म आ गई? इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी की फॉर्म। फिर से एल हॉस्पिटल रूल लगाएंगे तो एक्स का वन लॉग एक्स का होल क्यूब प्लस x ऐसे रहेगा log x का होल क्यूब का थ्री log x का होल स्क्वायर, और log x का हो जाएगा वन अपॉन x, x x कैंसिल हो जाएगा और अपॉन में आ जाएगा वन प्लस टू एक्स, लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी में। अब आप इसमें देखिए लिमिट लगा करके क्या होगा, log इन्फिनिटी इन्फिनिटी, ये भी इन्फिनिटी और अपॉन में फिर से क्या आ रहा है? इन्फिनिटी आ रहा है। तो फिर से एल हॉस्पिटल रूल लगाते हैं, इसका हो जाएगा थ्री लॉग एक्स का स्क्वायर लॉग एक्स का वन अपॉन एक्स, और इसका हो जाएगा सिक्स लॉग एक्स अपॉन में क्या आ जाएगा? टू, लिमिट एक्स टेंड्स टू इंफिनिटी। इसी में देखिए लॉग एक्स का स्क्वायर सिक्स लॉग एक्स बना और लॉग एक्स का क्या हो जाएगा? वन अपॉन एक्स। अब इसमें ये एक्स दोनों में आ रहा है तो नीचे आ जाएगा, क्या आ जाएगा नीचे? लिमिट एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी कितना हो जाएगा? थ्री लॉग एक्स का स्क्वायर प्लस सिक्स लॉग एक्स अपॉन टू एक्स। अगर हम इसमें फिर से अगर लिमिट अप्लाई करेंगे तो इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी की फॉर्म फिर से आ रही है। फिर से एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई करते हैं, इसका हो जाएगा सिक्स लॉग एक्स का वन अपॉन एक्स और सिक्स लॉग एक्स का वन अपॉन एक्स और अपॉन में क्या आ जाएगा? टू, लिमिट एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी। तो ये क्या हो जाएगा? सिक्स लॉग एक्स प्लस सिक्स अपॉन टू एक्स, लिमिट
x tends to infinity. लिमिट अगर अप्लाई करेंगे तो फिर से इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी फिर से बन रहा है. तो फिर से ना उस पर रूल लगाएंगे, 6 log x का 6 अपॉन x, 6 का 0 और 2x का क्या हो जाएगा 2. तो ये कितना आ जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी 3 अपॉन x और 3 अपॉन इन्फिनिटी क्या हो जाएगा 0. तो इस फंक्शन की लिमिट इन्फिनिटी पे क्या हो जाएगी 0. किस रूल को अप्लाई कर रहे हैं बार बार, इन एल हॉस्पिटल रूल. और वो कब अप्लाई होगा, जब या तो 0 अपॉन 0 हो या फिर इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी. नेक्स्ट न्यूमेरिकल, इसमें अगर आप x के वैल्यू 1 सब्स्टिट्यूट करोगे तो ये 2 अपॉन 0, 1 अपॉन 0. तो ये इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी की फॉर्म आ गई. कौन सी फॉर्म है, थर्ड फॉर्म. इसमें क्या करेंगे, डायरेक्टली एल हॉस्पिटल रूल नहीं लगाएंगे हम. मैंने एलसीएम ले लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस वन एलसीएम, इसके साथ आ जाएगा 2, 2 के साथ 1 आएगा और माइनस 1 के साथ क्या आ जाएगा, एक्स माइनस वन और एक्स स्क्वायर माइनस वन का एलसीएम एक्स स्क्वायर माइनस वन. तो यहां पर कितना आएगा, एक्स प्लस 1, लिमिट एक्स टेंड्स टू 1 पे. तो ये कितना हो जाएगा, 1 माइनस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1, लिमिट एक्स टेंड्स टू 1. तो लिमिट एक्स टेंड्स टू 1, इसका माइनस साइन कॉमन लेते हैं, एक्स माइनस 1 और अपॉन में क्या आएगा, एक्स माइनस 1 एक्स प्लस 1. ये कैंसिल हो गया. अब आप इस पर लिमिट अप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, माइनस का 1/2. तो इसमें हमने कहीं पे भी एल हॉस्पिटल रूल का यूज नहीं किया है, बस एलसीएम लेकर के उसके बाद हमने ये फॉर्म को हटाया है और फॉर्म को हटाने के बाद आपको उसकी लिमिट अप्लाई कर देंगे. नेक्स्ट न्यूमेरिकल इज लिमिट एक्स टेंड्स टू पाई बाई 2 sec x माइनस tan x. sec पाई बाई 2 माइनस, ये इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी की फॉर्म बन रही है. तो इसको हम क्या लिखेंगे, लिमिट x टेंड्स टू पाई बाई 2 1 अपॉन cos और sin x अपॉन cos x. लिमिट x टेंड्स टू पाई बाई 2 cos x, एलसीएम आ गया इसका, तो 1 माइनस sin x. अब अगर आप लिमिट अप्लाई करेंगे तो cos sin पाई बाई 2 होता है 1, 1 माइनस 1 0 और cos पाई बाई 2 0, 0 अपॉन 0 फॉर्म. और 0.0 फॉर्म जैसे ही आपको मिलती है तो आपको एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई कर देना है इसमें. तो एल हॉस्पिटल रूल से 1 का डिफरेंशिएशन 0, साइन एक्स का कॉस एक्स और कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, लिमिट एक्स टेंड्स टू पाई बाई 2. अब लिमिट अप्लाई कर दीजिए, कॉस पाई बाई 2 अपॉन साइन पाई बाई 2, कॉस पाई बाई 2 0, साइन पाई बाई 2 1. तो आंसर कितना आ जाएगा इसका. अब इन्हीं न्यूमेरिकल पे बेस्ड आपको मैं कुछ न्यूमेरिकल्स दे रहा हूं. जैसे मैंने एल हॉस्पिटल रूल लगा करके कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व किए थे, उन्हीं तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व होंगे. अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट में जाकर के कमेंट कर सकते हैं. और इसके अगले फॉर्म्स के लिए, इन डिटरमिनेट फॉर्म्स के अगले वीडियो के लिए बने रहिए हमारे साथ.